हाँ जी, तो अगर आप लोग EGAN 2 में एडमिशन लेना चाहते हो, मिस इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप लोग को पता होगा कि जो आप लोग की मैरिट लिस्ट है वो कल रिलीज हो गई है। अब अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आप लोग की जो काउंसलिंग होगी वो शुरू होगी। एंड अगर हम लोग आप लोग के बात करें तो आप लोग की काउंसलिंग होगी वो 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के बीच में होगी। 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी एंड 11 अगस्त तक चलेगी। तो अगर हम लोग बात करें तो डेट की, तो वो भी आप लोग को अलॉट हो गई होगी जब आप लोग मैरिट लिस्ट डाउनलोड करोगे। जो भी कोर्स में आप लोग सेलेक्ट हुए होंगे उसमें आप लोग को उधर शो भी हो जाएगा कि जो आप लोग के काउंसलिंग के डेट आप लोग को दी गई है वो किस दिन दी गई है, तो उसी दिन आप लोग को जानी है। एंड बाई चांस अगर आप लोग को कोई भी रीजन के वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के वजह से नहीं जा पाते हो, लाइक 7 तारीख को अगर आप लोग की है, 8 को जा पाते हो, तो आप लोग जा सकते हो। बस आप लोग उन्हें अपनी रीजन वगैरह वैलिड बता देना कि किस रीजन के वजह से आप लोग नहीं आ पाए, बट आपको 7 अगस्त से 11 अगस्त के बीच में ही जाना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाने हैं, तो लाइक अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आप लोग को 10th की जो मार्कशीट है वो लेके जानी है। आपके पास ओरिजिनल होगी वो भी ले लेना, एंड इसकी फोटो कॉपीज वगैरह जीरोक्स भी ले लेना। सेकेंड बात करें तो 12th की भी मार्कशीट आपको लेके जाना है, एंड इसकी भी जीरोक्स ले लेना, एंड ओरिजिनल भी आप लोग को ले लेनी है। फिर नेक्स्ट बात की तो नेक्स्ट आती है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप लोग कोई रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC EWS, तो उसकी भी आप लोग को जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी लेके जाना है। फिर आपको बात करें तो CVT UG की जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आप लोग को लेके जाने हैं, एंड जो आप लोग की स्कोर कार्ड होगी जो CVT UG की रिजल्ट आई होगी वो भी लेके जाना है, एंड साथ में आप लोग को पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके जाने हैं। तो ये भी आप लोग लेके जाओगे, लाइक आप लोग 4-5 रख लेना क्योंकि वहाँ पे आप लोग को कम होगा, तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा ही उसे लेके जाना है। फिर नेक्स्ट बात करें तो अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन है, ये सब अगर आपके पास है तो ये भी आप लोग लेके जा सकते हो। एंड अगर आप लोग को अभी तक ये नहीं मिली है स्कूल से तो फिर आप लोग इसे छोड़ सकते हो, ये सब टू बी ऑन सेफर साइड है। अगर आप लोग वहाँ जाके अगर ये बोलते हैं लेने के लिए बट नहीं है तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने भी डॉक्यूमेंट है आप लोग वो सब लेके जा सकते हो। एंड लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग EGAN 2 की जो अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए होंगे, जो इनकी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वो भी लेके जा सकते हो फॉर प्रूफ के लिए। एंड अपनी जो आइडेंटिटी प्रूफ है लाइक आधार कार्ड ये भी रख लेना। तो ये सब ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आप लोग को मांग सकते हैं, एंड अगर नहीं मांगे तो फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, अगर मांग देंगे तो फिर अगर आप लोग दूर से आए हो देन आप लोग को प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप लोग ये सब भी रख लेना, इसकी फोटो कॉपी वगैरह रख लेना, या फिर आप लोग ये सब की फोटो एक एक ले लेना। अगर आप लोग को वहाँ पर कोई और डॉक्यूमेंट भी चाहिए होगा तो जब आपके फोटो रहेंगे तो आप लोग वहाँ से डायरेक्टली उसे प्रिंट करवा सकते हो, तो आप लोग उसे निकलवा सकते हो। तो इसीलिए आप लोग इसकी फोटो भी खींच के रख लेना, एंड साथ में जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सब लेके चले जाना कि वहाँ पे आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। EGAN 2 की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।